हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरा और एक नया ब्लॉग में। मैं अभी माधुगिरी में हूँ और मेरा जो पीछे देख रहे हो ये माधुगिरी हिल है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन बेंगलुरु से 100 किलोमीटर है। अभी तक 4 किलोमीटर दूरी पे हम लोग। ये है माधुगिरी हिल का एंट्रेंस। ये है एशिया का सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट मोनोलिथ पहाड़। इसका नाम है माधुगिरी हिल। ये सावन दुर्गा का बाद में आता है। ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल स्टोन के ऊपर बना है। ये जो हिल है ये एक किला है। इस किले का निर्माण गंगा राजवंश के राजा हीरा गंगा ने सन 1678 में बनवाया गया है। किला देखने में बेहद खूबसूरत है। बेहद गर्मी है यार, इतना गर्मी है छाता लगाना पड़ रहा है। धूप भी बहुत ज़्यादा धूप है। देखो सिटी का नज़ारा कैसा है, कितना सुंदर है। मुझे लगता है कर्नाटक में ये जो हिल है ना ये सबसे खूबसूरत है। मैंने बहुत सारे हिल में गया, बहुत सारे पहाड़। सावन दुर्गा से भी खूबसूरत है ये। इस किले को किस तरह से डिजाइन किया गया देखिए। ये जो छोटा सा दरवाजा है ना, इसका अंदर से होके हम लोगों को जाना है। और ये जो माधुगिरी हिल है इसका जो हाइट है 3930 फीट है। पत्थर बराबर पत्थर को बनाया गया। ब्रो मस्त है। कहानी यहाँ से शुरू होता है पूरा ट्रैक इस पहाड़ का। धूप तो बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक दरवाजा है। एक के बाद एक इस जगह भी आराम कर सकते हैं। आराम करो। और एक बात क्या है, इस किले में आना है तो आपको एक दो या कई फ्रेंड के साथ आना है, नहीं तो बहुत वीरान है ये किला। इक्का दुक्का लोग आता है, लेकिन वीकेंड डे में लोग ज़्यादा आता है यहाँ पे। ये कुआं हुआ करता था, लेकिन अभी ये सूख गया है, पानी नहीं है इसमें। यहाँ में भी एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये जो जगह है थोड़ा हाइट पर है। इस स्टेज को काट के बनाया गया, रेलिंग भी दिया है इसमें। ब्रो आज बहुत थक गया, पूरा सांस फूल गया यार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। देख रास्ता को देख ब्रो, इतना हाइट पर है। और ओए देख रहे शिट, ये देख के गाइस, ये जो पहाड़ है ना बेहद ऊंचाई पर है, लेकिन बारिश के टाइम पे आप बिल्कुल आना ही नहीं, क्योंकि एक तो खड़ा पहाड़ है और आप जो स्ट्रेस देख रहे हो आप, ये छोटा छोटा है, फिसलने का भी बहुत चांस है। आप जब बारिश नहीं हो तब आ जाइए और इस किले का भरपूर मज़ा लीजिए। और जितना हो सके आप सुबह के टाइम में आइए। अभी तो दिन का 3:30 बजा है, बहुत सारे धूप है, चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, साथ में छाता भी लेना पड़ रहा है।
पहाड़ के ऊपर आप चढ़ाई करते करते इस तरह से आपको रेस्ट करने का कुछ घर, छोटा छोटा घर मिलेगा, आप रेस्ट कर सकते हो। सबसे डिफिकल्ट जो चढ़ाई है ये जो देख रहे हो ना, ये जगह है एकदम स्ट्रेट है, पता नहीं ये 90 डिग्री है क्या है, वहाँ तक हम लोगों को जाना है, जो बाउंड्री दीवार उस तक जाना है। काफ़ी थक गए हम लोग। ये जो पहाड़ है ना, ये सिंगल स्टोन के ऊपर है, इसमें कोई पहाड़ मिक्स नहीं है। ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ पूरा ग्रेनाइट का पहाड़ है, ये मामूली पत्थर नहीं है, ये ग्रेनाइट से बना हुआ पत्थर है ये। ये जगह था जो डरावनी है। पहाड़ का ऊपर चढ़ाई करते करते आपको ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जो डरावनी हो सकता है और बेहद खतरा भरा है। देखिए ये थोड़ा डेंजर पॉइंट है, ये थोड़ा सा अगर आप फिसल गए ना तो फिर आपका मौत तय है। देखिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट भी नहीं है, टूट गया शायद, बारिश का टाइम में तो एकदम बहुत मुश्किल है। जो इतना धूप है, धूप से पहाड़ से और भी जो हीट है ये सहने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कई कई जगह पे रेलिंग है, कई कई जगह पे नहीं है, लेकिन आपको देख के चढ़ाई करना है, बेहद मुश्किल भरा टच है इसके लिए मैं चढ़ने के लिए। यहाँ पे रेलिंग ख़त्म हो जाता है, दीवार स्टार्ट है यहाँ से, ये लग रहा है लास्ट दरवाज़ा है, सांसें फूलने लगा है, यहाँ पे रेस्ट लेना पड़ेगा, इतना टायर्ड हो चुका हूँ ना। गाइस ऊपर से देखने में ये जो दरवाज़ा देख रहे हो, ये नीचे से देखने में लगता है ये लास्ट है केला का, लेकिन इससे भी हाइट है। देखिए कितना ऊपर तक चढ़ना है हम लोगों को, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कोई रेलिंग नहीं है, कोई पकड़ने का कोई चीज़ नहीं है, ऐसा ही खड़ा चढ़ना है। ये केला बहुत डरावना है यार, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पानी का स्रोत जाते जाते पत्थर भी गड्ढा हो गया। ये जो केला है ना, ये मामूली सा केला नहीं है, देखिए कितना हाइट पर है। हम लोग जितना चढ़ाई कर रहे हैं इतना ही इसका हाइट बढ़ते जा रहा है। देखिए वो और भी ऊपर है, इसका मेन डेस्टिनेशन है। अभी हम लोग ऑलरेडी ऊपर तक आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन किस तरफ जाना है पता नहीं चल रहा है, रास्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ से चले यार, अभी शायद इस तरफ से चढ़ना है। नहीं, उस तरफ से होके जाना है। देखिए कुछ भी सहारा नहीं हाथ में पकड़ने के लिए, शू निकाल दे। देखिए पूरा खड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिप बना के दिया तो अच्छा था, लेकिन बनाया नहीं। देखिए बहुत डेंजर है ये, शू निकाल दे तो, बहुत डेंजर पोजीशन है यार ये, माय गॉड। हाँ आजा आजा, देखिए इसको चढ़ने को नहीं हो रहा है। इस फोर्ट का ऊपर तक आते आते ऐसा एक जगह मिलेगा आपको, चढ़ना नामुमकिन है। देखिए आप रास्ते को, यहाँ से एक व्यू देखिए आप,
हाँ यहाँ पे एक गाइस, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, लेकिन देखिए इधर से उधर हुआ तो नीचे आप जा सकते हो। ये जो जगह है वेरी डिफ़िकल्ट है, देख के जाना है। छाता को मैं होल्ड कर लेता हूँ, चलो देख के आना रे। वेरी डिफ़िकल्ट पॉइंट है ये, लास्ट है, लास्ट दरवाज़ा है। गाइस थक गए यार, और अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, देखिए और भी चढ़ाई करना है। लगता है अभी ख़त्म हो रहा है, अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, इतना ऊंचाई पर है ये। गाइस फाइनली मंजिल में आ गए हम लोग। पीछे देखिए ये है लास्ट किले का द्वारमुख, ये है लास्ट हमारा डेस्टिनेशन। यहाँ तक आने के लिए हम लोगों को पसीना पसीना और सांस रुका रुका सा एहसास हुआ था। एक वक्त पहले का राजा लोग कहाँ कहाँ पे रहता था, है कि नहीं, अभी का लोग थोड़ी रहेगा यहाँ पे। वाह कितना सुंदर है यार। इस किले को जीतने के लिए कई राजाओं ने लड़ाई लड़ा था, और यहाँ पे एक वक्त ऐसा आया यहाँ कुछ दिन के लिए ब्रिटिश ने भी राज किया। अभी एकदम थकान सा चला गया ना। ये जो केला का जो पत्थर है ना, इसको बनाया गया यहाँ यहाँ का पत्थर से। देखिए ये जो है ना, इसको पत्थर को काट के यहाँ से पीस पीस निकाल के बनाया गया है इस किले को। नीचे से लेके आना नामुमकिन है ये पत्थर। देखिए कितना सुंदर से बनाया गया। ये जो घर है अभी खत्म होने का कंगार पे है। देखिए सब कुछ दुरुस्त हो रहा है, पानी एकदम खत्म हो चुका है। हम लोग भी पानी लेके नहीं आए, भूल गया, थोड़ा सा पानी था, खत्म हो गया। लेकिन आप लोग आए तो पानी जरूर लेके आना। ये क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ओह वाह देखिए इस तरफ भी है। इसको लगता है मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, इसके लिए खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अंदर चलेंगे हम लोग, आ जाओ। इसके अंदर क्या है देखो, अकेला आए तो एक डरावनी है ये, कुछ भी हो सकता है। अकेले नहीं आना है इस जगह में, देखो इस तरफ। यहाँ पे ये क्या बोलता है, ये होल दिया गया है देखिए, लाइट का, लाइटिंग का व्यवस्था के लिए। यहाँ पे लोग आता है लगता है, रहता है रात में, काफी डरावना जगह है यहाँ पे। होल इस तरह से बनाया गया है। पूरा सब दिख से पहाड़ी पहाड़ है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो माधुगिरी है इसको स्टोन सिटी भी कहा जाता है। पत्थर ही पत्थर है और चार दिख में पत्थर का ही पहाड़ है। देखिए आप जहाँ पे आप देखोगे, नज़र घुमाओगे, पत्थर ही पत्थर है। क्या है ओ, ये इस किले का पूरा ऊपरी भाग है यार। पहाड़ में आने के बाद जो मज़ा आता है ना, वो बिल्कुल सा अलग है। देखिए मेरा पीछे पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, आप यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा, आपको दूर से नहीं मिलेगा, इसका ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आने के लिए आपको बेंगलुरु से 100 किलोमीटर तक आना पड़ेगा, और जो तुमकुर रेलवे स्टेशन है वहाँ तक आके, और रेलवे स्टेशन से भी आप यहाँ तक कोई भी टैक्सी या ऑटो करके आ सकते हो। आपका अगर खुद का व्हीकल है तो भी व्हीकल से आ सकते हो, कई सारा ऑप्शन है।
लेकिन आपको सुबह सुबह आना है और शाम को आओगे तो आप इस मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे, ऊपर तक काफ़ी लेट हो चुका होगा। और 5 बजे तक का अंदर आपको निकलना पड़ेगा इससे, क्योंकि नीचे एक गेट है, गेट बंद कर देता है। यहाँ पे भी कई सारा जलाशय है, कितना ऊपर तक हम लोग आते हैं आपको दिखने में लगेगा नीचे से, ये इतना हाइट नहीं है। हम तो आधा घंटा में चढ़ जाएंगे, उतना वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आप जितना चढ़ते जाओगे तब तक आपको वो जो दूरियाँ बढ़ते जाएगा। बेहद मुश्किल ट्रैक है और अकेला बिल्कुल नहीं आइए। इस पहाड़ में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। और गाइस, ये केला में चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ा है, सांसें रुक गए हैं। और चैनल में आप लोग नए हो तो भी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।